साला आज दुकान भी बंद है, गुटका भी नहीं मिला। किस कदर की शांति है इस गांव में। सन 1947 में हुआ करती थी ऐसी शांति, जब मैं बाबू की उम्र में था। अच्छा, कैसा करूं मैं गुटका तो मुझे खाना ही होगा, किसके पास से खाऊं गुटका। हाँ, ये तलब तो मुझे बुझानी ही होगी। अच्छा, बस एक ही हमारे यहाँ का सेठ साहूकार है जिसके पास ये गुटका मिलेगा, बड़ा भैया। अच्छा, वैसे मिलेगा कहाँ हमारे यहाँ का बड़ा वाला। कैसा करूं चंपा। ओह नो, सुनना, मेरे बड़े भैया को देखी क्या? लगता है तू भी नहीं बताना चाहती मेरे को, गुटके की तलब में मारेगी। चल आगे देखता हूँ। इतना मारती ना कौन, बैलाहा है तो चोरा है हमारे घर का बटरा को। बताना चाहिए ना, हाथ पाए में दम नहीं है कुतरम के। बड़े मुश्किल से लगाते हैं, एक तो खेत बाड़ी में और पूरा चोर चोर के ले जाते तुम्हारे सत्यानाश है सबका। एक एक चीज बटोर बटोर के लगाती हूँ, पूरा दाल ना धूल होएगा करके और पूरा सत्यानाश करती इनकी तो ना। ऐसा तो जान लगता है कि खा जाऊं क्या बिल्ला जाऊं इनको। हाँ। Oh, no. खेत में लगाना चाहिए ना, कहती हूँ भाई कौन ना कौन है दलकच मारता है हमारे खेत में, देखते हैं बिल्कुल आके आके क्या लगाया क्या नहीं। एक तो घर वाले पर गट नहीं है कि आके देख रहे खेत, खेत बाड़ी में आती हूँ तो ऐसे चोटा चाटा ही करके भगते रात दिन से खेत में बैठू क्या कहती हूँ मैं। hey. दूसरे पवार के घर के खेत में लगाए हैं तो वहां से चोरेंगे ना, यही से चोरेंगे दारी गिन। आ, कौन बाल्य है तो यही यही यही, यही खेत में दिखता है इनको क्या है। तेरे गांड को काय को मिर्ची लग रही है नहीं, तूने चोरा है क्या तो लग रही तेरे को मिर्ची। oh, no. उधर जाके बोल वाला, तूने चोरा होगा जब तो तेरे को मिर्ची लग रही है। हाँ? तेरे घर का चोर जब तेरे को पता चलता हमारे घर के चोर है। हाँ, मैं करती हूँ समझ रहा है ना। तुम्हारे घर तेरे को काय को मिर्ची लग रही है तो तेरे खेत का थोड़ी चोरे है, मेरे खेत का चोर है कले का, देख मेरा कितना बड़ा है, लगाती हूँ सना सन चोर के ले जाते है आदमी गिन। खेत बाड़ी में ना मेरा पति ध्यान देता ना देवर देता, खा ले ठूस ले इतना दूंगी तेरे को भी। या पिंजरा ला बरी बना के काउड़ा गई मैना, या पिंजरा ला बरी बना के काउड़ा गई मैना। साला मत काय का भैया, क्या हो गया का? कुछ नहीं बचा जिंदगी में। ये बाबू की टोपी, बाबू का चश्मा, बाबू गया क्या? अबे बाबू नहीं गया मैं। हाँ। साले कमा कमा के मैं थक गया पर पैसा नहीं दिखता, साला क्या करूँ क्या नहीं करूँ, सबको पाल पाल के ये दिन आ गए। साला फिर भी घरवाली की पूर्ति नहीं कर सकता, भाई की नहीं कर सकता, बाप की नहीं कर सकता, ठग मारने ऐसी जिंदगी दिया ऊपर वाले। कर भी क्या सकते हैं ना, किस्मत ही गांडी तो क्या करेगा पांडू का। oh, no. पांडू की गलती नहीं है। नहीं नहीं मत, डायलॉग है ये। अच्छा, तू बड़े अच्छे अच्छे डायलॉग बोल लेता रे सोनिया, इसी में तो है, बाकी तेरे को बनता क्या है। साले इतने बड़े बड़े जवान हो गए पर दो पैसा कैसे कमा के ला लूं। मैं आता हूँ थोड़ी देर, अभी कहाँ जाएगा कमाने। नहीं मैं ये तेरे प्रवचन सुनने नहीं आया हूँ, बात क्या है वो बता। आज रात भर नहीं सोया, टेंशन टेंशन में। अरे क्या बताऊं सोनिया, मैं रात भर सोचा, साला बचपन से कमाते कमाते ये दिन आ गए। अच्छा, पैसा रहता क्यों नहीं मेरे पास? तो तू भाभी के पास में दे देता है ना पैसे पूरे, मेरे पास देता तो सेफ रहते। अच्छा,
अरे उतने कमाता ही कहाँ हूँ जो तेरे पास दे दूँ। पर एक बात है सोनिया, तू मेरा सगा वाला भाई है। हाँ। मैं रात में टीवी देख रहा था। हाँ। तो मैंने एक न्यूज देखा। कौन सी न्यूज का? अच्छा, तो मेरे को उससे एक स्कीम जागी है जिससे हम जल्दी लखपति आदमी बन जाएंगे। अच्छा, कौन सी न्यूज है ये तो बता। देख गौर करना, पर उस न्यूज पे बता रहा हूँ मैं, पहले सुन तो लूं। हाँ सुना। अभी वो नया मुख्यमंत्री बना है ना। हाँ हाँ, वो क्या नाम है उसका, यादव, कौन सा यादव? डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर भी है ना वो, कहते हैं। मैंने तो कभी इलाज नहीं कराया उसके पास। अब कहते हैं डॉक्टर डॉक्टर, तो चल अपने को क्या लेना देना, मान लेते हैं अपन। हाँ, तो उसका क्या है बता, क्या बोला? वो न्यूज में दिखा रहा था सोनिया कि अदर जात की लड़की से शादी करोगे तो 2.5 लाख। क्या बात कर रहा है, सही में बात? हाँ मेरी कसम। अरे तेरी कसम, पूरे घर वालों की कसम। अच्छा एक चीज बता। अच्छा एक चीज बता सोनिया। हाँ पूछ पूछ। अपन कितने भाई हैं? अपन तो जहां तक मेरे को पता है अपन 3 भाई हैं, तू मैं और बाबिया। और बाबू की कोई नाजायज औलाद होगी तो वो मेरे को नहीं मालूम। ओह नो, हम 3 है ना। हाँ, 1-2 और बाबिया 3। मैं कह रहा था क्यों ना हम भी अदर कास्ट की लड़की से शादी कर ले। होगा, देख 3 शादी कर लेते हैं, मैं बाबिया और बाबू। अबे मेरी भी कह रहा हूँ, भाभी को बताऊं अभी। भाभी अभी अपने बीच में रखना, अभी सिर्फ प्लानिंग कर रहा हूँ साले। तुम ढिंढोरा पीटता, इसीलिए मैं कोई चीज नहीं समझाऊ सा लगता तेरे को। देख मैं कह रहा हूँ, एक तो तुम दोनों भाई की शादी जुड़ नहीं रही है। हाँ, 2 साल हो गएगा, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं जुड़ रही है। और जुड़ भी ऐसे लोगों की रही है जिसका पहले से सेटअप हो। हाँ, मेरा था लेकिन तेरी वजह से गया मेरा सेटअप, नहीं तो आज मेरे भी 2-4 चिंटू मिंटू खेल रहे होते, तेरे जैसा भाई। अबे मेरे को भी इधर उधर से आते और बड़े पापा कह के मेरी गोदी में सुसु कर देते क्यों? तो तुम्हारी शादी जुड़ना तो मुश्किल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्यों ना एक तीर से 2-2 निशाने लग जाएं। अच्छा मतलब थोड़ा डिटेल में समझाना। अरे अबे मेरे से ज्यादा पढ़ा लिखा है फिर भी तेरे को डिटेल में घुसना पड़ता है। मेरे को ये फंडा नहीं पता रहता ना का, वैसे पैसे कितने मिलेंगे वो बता। हिसाब देख। हाँ। 3.5 का गुणा 3 में कर। 2.5 × 5 = 7.5 रुपए। अबे लाख लाख की बात कर रहा हूँ। तो लाख तूने नहीं बोला था ना, तूने 2.5 × 3 बोला, मैं 7.5 रुपए बोल दिया। हाँ, 7.5 लाख रुपए। हाँ, उसका हाँ, क्या? अच्छा, और बाबू का भी सेटअप जमा दे अपन तो। ओह नो, उसके लिए अरे पैसे कमाना है तो। हाँ तो पूरे पूरे हो गए ना, 7.5 × 2.5 10 हो गए। चांदी चांदी हो जाएगी क्यों? एक खट्टे अपने घर में 10 लाख रुपया आएंगे। हाँ, साला जिंदगी भर कमाएंगे तो 10 लाख एक साथ नहीं आ सकते। हाँ, उस हिसाब से मेरे कितने होंगे? 2.5। ठीक है, चल जाएंगे। तेरे 2.5, बाबिया के 2.5, मेरे 2.5, बाबू के 2.5। ठीक है, और अपने घर में रात बाद आदमी भी दिखेंगे फिर। वो बहु वैदी का घर रहेगा मेरे सामने, जब पल्ला डालेंगी मैं जेठ। अच्छा, पैसे भी हो जाएंगे, बहू भी आ जाएगी और अपनी गरीबी भी हट जाएगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही है। कौन सी? मैं क्या बोल रहा था, लड़की अगर भगा के ला लें तो मिलेंगी कि नहीं 2.5 लाख? अरे पर सो करना पड़ेगा ना मंदिर में, तो 4 जन को बुला के भटा भात खिला के निपटा देंगे का? अच्छा धीरे बोल, मोहल्ले वाले स्कीम सुन लेंगे तो पहले वही ला लेंगे, हम रह जाएंगे। अपने मोहल्ले में अपने से अच्छा कोई है भी नहीं। और देख
तेरी भाभी को पटाने का काम मेरा। अच्छा तू उसको काहे को पटाएगा, वो तो पहले से ही पटी पुटी शादी हो गई तेरी। पैसा पटाना नहीं बे, समझाऊंगा कि मैं एक ठल ला लेता हूँ, अरे किसी भी कोने में पड़ी रहेगी वो, मैं तेरे साथ जैसे रहते आया हूँ वैसा च रहूंगा, तेरे प्यार में कोई कमी नहीं आने दूंगा। क्या तलाक दे दे? अच्छा देख अपने घर को संभाली उसी ने, हाँ। साले साले से पैसे के लिए अपने को अलाक तलाक नहीं करना। चल ठीक है मैं पूरा समझ गया, बाबिया को कैसे समझाएंगे? बाबिया है कहाँ? वही तो मेरे को नहीं पता। चल गा ये काम करते उसको ये चल चल चल, अरे जल्दी चलना डोकरे, चप्पल तो पहनने दे रे, चलना का चमाइला तेर से जल्दी मेरे को पड़िए रे बाबा। मैं बहुत दिन से पैसा नहीं देखा रे, 1.5 लाख रुपया सस्ते बाबू भैया, पहले घर तो चल। परिदर्शन इनको कम पैसा बताने का, 2 लाख बताएंगे, डेढ़ डेढ़ एक बताएंगे, चल तो तू पहले चमाइला, पैसा ही पैसा होगा। सप्पा राणा राण कर डाले भाई, आजू बाजू वाले ऐसे गुर्रा, ए भगवान ताला लगा के कहां बिल्ला है रे, सबके सब रे, ऐसे घर के बाहर बैठे रहूंगा कहती हूँ मैं? Oh, no. खेती बाड़ी में भगती हूँ, चाबी को रख देना चाहिए, नहीं तो कोना कानी में ना बताना चाहिए मेरे को। पूरा दिमाग ही का दही है, गुज्जा 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 पूरा गुज्जा तुटो। चाबी रे मेरे को क्या बताना, मेरे को लगा खुला है। तू कहां गया था रे? मैं जरा वो गुटखा लेने गया था का। इधर बैठ तो, चाबी किसके पास है? तो मेरे को लगा तेरे पास है। अच्छा मैं लेके घूमूंगी के खेत में उधर, सुन तो पूरा पूरा बटरन को ले जा लिए रे, तोड़ तोड़ के पूरा चुरा लिए रे, सत्यानाश कर दिए पूरा खेत का। ये दोनों तो गए ना? कहां दोनों गए, कोई नहीं है रे भाऊ, मैं लंग 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 जाती हूं, किसने ना किसने तोड़ लिया रे पूरा रे, इतना मुश्किल से लगाते हैं जरा खेती बाड़ी में, सब चुरा चुरा के ले जाते हैं सब जन। और तेरा भी सत्यानाश हो रहा, जाके खेतर बाड़ी को नहीं देखते तुम रे? ये तेरे भाभी का है कुछ चिल्लाती है रे देवा। और तुम कहां गए थे जी? ओह नो आइला, तेरा थोपड़ा का भी शांत रहेगा क्या? नहीं रहता मेरे से, ताला वाला लगा के भागते हो तुम यहां से। अरे मैं सोचा बाबू होगा घर में, कैसे सबका बटाना को चोर डालेगा भाऊ, सही में बता रही हूँ मैं, पूरा सत्यानाश कर डाले रे। अरे छोड़ना यार, उससे ज्यादा का अपन ने वो किया ना, अभी जुगाड़ होने वाला है अपना। काय का जुगाड़ कर रहे हो? ये रे तेरे को सजा दूंगा मैं। क्या काय से सजाओगे? सोना से चांदी से हीरे से मोती से तुझको सजा दूंगा। अरे जाना रे नंगा आदमी, अभी तक तो पहना है नहीं, अब क्या पहना आएगा? तो तलाक ही दे देगा तू, जिंदगी भर टेन टेन करेगी। अरे तेरे मुंह में कीड़ा पड़े रे सोनिया, हाँ मेरे को तलाक दे रहा है? ये सही बोलता है। क्या सही बोलता है? तू साली है खतरनाक हमारे घर की ढेंढन, इसीलिए मैंने वो जो स्कीम लाया हूँ ना करने। अरे बाबिया अब ज्यादा टेंशन लेने का नहीं है, हमने तेरी शादी का जुगाड़ भी कर दिया। हाँ तो इसकी शादी से है? अच्छा मैं तो खुश होऊंगी ना देवर की, पहले ये तो रंड बच रहेगा। हाँ उसका भी नहीं रे बाबा, मैंने दोनों का शादी और मेरा भी साथ में शादी का इरादा कर लिया है। तो मेरे साथ क्या करे, चुकी डबला का खेल करे हो यहाँ बैठा के? तेरी तो वहाँ तेरे भैया को भड़का रहा है। मैं जा रहा हूँ पूरे गांव वाले को न्योता देने। अरे मत जा बे, अरे रुक तो जा, इधर जान दे उसको, जान दे वो गोबर का गोबर ही रहेगा का पूरा। तू तो है वहाँ बर्रे में जाते हैं निकालते हैं ना पीला पीला, तू है वो, समझ रहा है? ज्यादा बताओगे यार, सुन तू। देख पिंकी, तू आई है जब से अपने पास, पैसे का टेंशन ही टेंशन है ना, है क्या नहीं? तू बता ईमानदारी बता। मैं आई हूँ तो ढेर पैसा है तुम्हारे पास टिका हुआ है, समझ रहे हो? लंग 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 खेती बाड़ी में घूमती हूँ तो कहाँ पैसा है वो, इसलिए मैंने अभी वो, तू समझा रे, तू समझा, तू आग मत लगा रे। हाँ मेरे से तो एक बात बता, हाँ? अगर 3 शादी हुई 2.5 लाख के हिसाब से 7.5 लाख रुपए, चार शादी के 10 लाख रुपए, उसमें से तलाक तेरे को तलाक देने के 50,000 कम भी कर दिए, 9.5 लाख रुपए शुद्ध बचते हैं अपने पास। नहीं तो मतलब कैसा क्या है, मेरे को समझ में नहीं आया फिर से। अरे इधर सुन, देख, एक मिनट देख, इसको तलाक तुलाक नहीं देते, अच्छी है, एक कोने में ये भी पड़ी रहेगी। कोने में क्यों रहूंगी, घर में रहूंगी, पूरा घर मेरा है। घर में रहेगी, है घर की साइनी रहेगी तू, हाँ ठीक है, इसकी इसको तलाक नहीं देते। आगे की बता। बात ये है कि अभी जो नई योजना निकली है, काई की अदर कास्ट शादी करने से, हाँ अदर कास्ट की जो लड़कियां हैं भगा के लाओ शादी कर लो, हाँ
₹2,50,000 एक आदमी को। हाँ। और देख मेरी भी हो जाएगी सोनिया, तुम्हारी कहाँ से होगी? पहले सोनिया की हो जाएगी, बाबिया की हो जाएगी, बाबू की भी शादी कर देंगे, इनका तो ₹7,50,000। और मैं भी फॉर्मेलिटी के लिए एक थल शादी कर लूंगा ना यार, दो बीवी रहेंगे मेरी, अब वो भी पड़ी रहेगी अपने घर में, क्या दिक्कत है? ₹10,00,000 एक खट्टे आएगा तो अपना कोई भी काम बनेगा ना, ₹3,00,000 का कर लीजिए वर, बाकी का पैसा अपना घर वर बना लेंगे अपन। ऐसा देखो पहनने के लिए पहन लूंगी। हाँ बोला अच्छा नहीं पहन जिस इसके लिए जो लेना है लेना, लेकिन मेरे ₹2,50,000 अलग निकाल के बात करना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तूने अगर मेरे को उसमें से पैसा नहीं दिया तो तेरी शादी भी नहीं करवाती। काम कर रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ अपने घर के भोबड़ा को ढूंढने, ने तो मोहल्ले में पहले ढिंडोरा पीट देगा। आओ ना। इसका भरोसा नहीं है। ए, 50,000 मेरे, समझ रहा, जब शादी करवाऊंगी तुम्हारी, सुन ले। हाँ जा, नहीं करवाती शादी, जा जा भाग जा, रंडवा चढ़ाए तू। पक्का ना? का पक्का शादी का नहीं, लेकिन उसको लाओ, पहनने के लिए पहन लूंगी जेवर, लेकिन उसको लाओगे और इसके बाद फिर भगा देना। कहाँ भगाएंगे? अपने को एक बनियार लगती चाहिए क्या नहीं घर में? हाँ 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 सही बात है ना यार, तू पटलीन जैसे घर में ऐसे रहना, एकदम ठसन के साथ में, ये कर बर्तन मोल, बकरी ले जा। अच्छा गाय दू सबरे काम करा दूंगी। वो करेगी वो करेगी, अरे खारी तीखी जबान है, उल्टा सीधा निकल जाएगा। ठीक है वो करेगी, तू पटलिन बन के रहेगी, मैं पटेल बन के रहूंगा, फिर तेरी दो तो देवरानी भी आ जाएंगी, तेरे को काम करने की जरूरत ही नहीं है, सब भाई तेरे कमा के लाएंगे, तेरे पास देंगे, तू घर की सेठानी। ठीक है हाँ, चाबी कहाँ रखे बताओ घर की? अरे ताला तो खुल रहा है वो, ले लटका के गए थे। अरे चुप ना, किसी को मत बताना, मोहल्ले की बात है वो। देख रहे हो हमारे घर तो शादी की तैयारी हो गई भैया, पूरे बाप बेटे, चारों बाप बेटे कर रहे हैं शादी, तुम कब कर रहे हो? ना करो ना मत करो, क्या है, चैनल पे नए हो गए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, वीडियो कैसी लगी कमेंट भी कर देना है, और ना वीडियो नहीं देख रहे हो अब छक छक वीडियो देखो, क्योंकि एक एक नंबर के वीडियो आने वाले हैं। अब काली का रूप रख ली हूँ मैंने, हाँ बने रहना चैनल में, चलती हूँ मैं, है अंदर। अयोध्या।